तो दोस्तों ये जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं ना इससे आपके सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और साथ ही साथ अगर आपका वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है ना तो आपके वॉच टाइम भी बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है उसको बहुत ही जल्दी पूरा कर सकते हैं और आप अपने यूट्यूब चैनल से अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं तो दोस्तों कौन सा वो तरीका है जो कि इस वीडियो पर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों व्हाइट स्टूडियो का जो सीक्रेट सेटिंग है ना जिसको मैं आपको बताने वाला हूं। जिसको ऑन कर लेने के बाद आपके हर वीडियोस पे 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 हजारों लाखों व्यूज आने वाला है तो क्या है वो सेटिंग इस वीडियो पे मैं पूरा डिटेल्स में अभी आपको बताने वाला हूं दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको आगे इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो मिल सके तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है वो सेटिंग करने के लिए जो कि सीक्रेट सेटिंग है उसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना यूट्यूब चैनल आपको डेस्कटॉप मोड पे एनावेल कर लेना है तो इस तरीके का आपका YouTube चैनल देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा हिडन सेटिंग बोलते हैं तो इस सेटिंग पर आपको क्या करना है ओपन कर लेना है क्लिक करके इस सेटिंग को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ सीक्रेट सेटिंग आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आप जनरल सेटिंग है यहाँ पे आपका अगर चैनल मोनेटाइज है तो आपका करेंसी किस बेसिस में है वो आपको दिखाएगा देन आपको चैनल का आपको कुछ सेटिंग करना है अपलोड डिफ़ॉल्ट के बारे में आप सेटिंग कर सकते हैं ऐड कैटेगरी के बारे में यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं तो जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है जो कि आपके चैनल के व्यूज रिलेटेड है आपके चैनल का ग्रोथ से रिलेटेड है वो आपको क्या करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चैनल पे आ जाना है चैनल पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो कंट्री है उसको आपको इंडिया पे सिलेक्ट कर लेना है इंडिया पे सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों ध्यान से देखिए चैनल की वड़ है आपको पता होगा मुझे पता है आप बहुत सारे वीडियो देखोगे YouTube पे ये चैनल क्यूवर है लेकिन यह किस लिए यूज होता है वो आपको बता दू आपके जो YouTube चैनल है ना उसको ये सर्च में लाने के लिए ये यहाँ पे यूज नहीं होता आप अगर चैनल पे 100, 200, 500, 1000 वीडियोस अपलोड कर लिए हो और आपके चैनल की वर्ड पे एक भी आपके यूट्यूब चैनल का नाम नहीं होगा और आपका चैनल यूनिक होगा तो फर्स्ट सर्च पे फर्स्ट पे आपका चैनल जो है रैंक करेगा फिर ये चैनल जो कीवर्ड है वो आपको क्यों यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे आपको क्या करना है आप जिस भी टॉपिक को जैसे कि आप YouTube वीडियो को सर्च में कैसे लाएं, YouTube लोगो कैसे बनाएं YouTube वीडियो वायरल कैसे करें अगर ये इनमें से आपका कुछ टॉपिक है इनमें से तो आप वीडियो अपलोड करने से पहले आप अपने टॉपिक का जो टैग्स है उसको यहाँ पे डाल सको ताकि आपका वीडियो जो है सर्च में आए देन आपका वीडियो रैंक करेगा देन आपके चैनल पर जो है व्यूज आएगा ये आपको कोई नहीं बोलेगा आप करके देखिए अपने चैनल पे, फिर आप बताना आपके चैनल पर व्यूज का कैसे चेंजेस आता है ये तो पहला सेटिंग में आपको बताया आगे और भी कुछ सेटिंग बताऊंगा जिससे आपका चैनल पे व्यूज़ का जो मामला है आपके सब्सक्राइबर का जो मामला है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अपने वीडियो को रिलेटेड जितना भी टैग है जैसे ठीक जैसे कि अगर आपका व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, तो हाउ टू इंक्रीज़ व्यूज़ ऑन यूट्यूब यूट्यूब व्यूज़ कैसे बढ़ाएं टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव व्यूज़ बढ़ाने का तरीका इंक्रीज व्यूज़ इस टाइप का आपको टैग डाल के यहाँ पे आपको एक सेव वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव पे क्लिक कर लेना है देन दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे लेफ्ट पे देख सकते हो अपलोड डिफॉल्ट करके इस पे आपको आ जाना है इस पे आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है एडवांस सेटिंग वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर लेना है एडवांस सेटिंग में क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग है दोस्तों ये जो सेटिंग है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप अगर न्यू चैनल पे वीडियो अपलोड करते हो हो सकता है आपका 10 20 50 100 200 500 सौ सब्सक्राइबर होंगे तो यहाँ पे अगर आप कैटेगरी देखोगे ना आपका एंड ब्लॉग करके होगा आप अगर डायरेक्टली यूट्यूब चैनल को ओपन किए हो और यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्शन नहीं किए हो अपने यूट्यूब कैटेगरी का तो ऑलरेडी यूट्यूब क्या करेगा पीपुल एंड ब्लॉग में आपका सेट किया होगा आप अगर वीडियो अपलोड करने टाइम अपने वीडियो का कैटेगरी चेंज करते हो तो आपका वीडियो का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि आपका चैनल एक अलग कैटेगरी पे है और आप अब वीडियो किसी और कैटेगरी पे अपलोड कर रहे हो तो ऐसे व्यूज नहीं आएगा मेरा चैनल अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैटेगरी पे है मैं अभी गेमिंग वीडियो अपलोड कर लूंगा और वहां पे मैं कैटेगरी भी डाल दूंगा गेमिंग तो मेरा व्यूज ज़ीरो ही आएगा तो आपको क्या करना है आप अपने चैनल कैटेगरी के अनुसार आप अपने कैटेगरी को यहाँ पे चेंज करना है देन आपको क्या करना है यहाँ पे आपको ध्यान से देखिए वीडियो का लैंग्वेज दोस्तों आप ऑब्वियसली हिंदी लैंग्वेज पे बोलते हो जैसे कि मैं उड़ीसा से हूँ तो मैं उड़िया भी बोल सकता हूँ आप अगर वेस्ट बेंगल से हो तो बेंगली भी बोल सकते हो कोई अगर गुजरात से है या हरियाणा से है तो गुजराती हरियाणा भी, भी बोल सकता है तो आप अपने लैंग्वेज जिस लैंग्वेज पे वीडियो बनाते हो वो लैंग्वेज यहाँ पे आपको डालना है तो मैं हिंदी पे बनाता हूँ मेरा यहाँ पे वीडियो लैंग्वेज जो है हिंदी पे है तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से यहाँ पे उसको डालना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है उसके नीचे आपको देख सकते हो यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो है इसको आपको इंग्लिश डालना है देन आपको यहाँ पे नीचे देख सकते हो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो है इसको आपको क्या करना है दोस्तों इंग्लिश डालना है यहाँ पे आप हिंदी भी डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप टाइटल पे दो लैंग्वेज यूज करते हो एक जैसे कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएँ दूसरा हा, या हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल तो इस टाइप का यहाँ पे आप हिंदी भी डालोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको यहाँ पे इंग्लिश डालना है इंग्लिश बहुत बेहतर होता है तो यहाँ पे ये दो जो सेटिंग है इसको सेट करने के बाद आपको क्या करना है यहां पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है बस इतना आपको काम करना है आपको हर वीडियो पे चैनल क्यूआर पर चैनल जाके सेट कर लेना है वहां पे चैनल क्यूआर डाल देना है अपने वीडियो के टैग के अनुसार देन आपको ये जो सेटिंग है एक बार करके छोड़ देना है फिर आप अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करके देखो दोस्तों आपका वीडियो हजारों पे लाखों पे व्यूज जाएगा दोस्तों इस तरीके से अगर आपको व्यूज़ नहीं आए ना ये मेरा चैनल है मैं खुद आपको इसको कुछ दिनों में ग्रो करके मोनेटाइज करके दिखाऊंगा तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो आपको बहुत सारा मिलने वाला है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू